सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल देखा, 2.5 लाख में ओनली डीजे सेटअप, जो कि काफ़ी अच्छा डीजे सेटअप आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक आइडिया मैं आपको देने वाला हूँ कि यहाँ पर 2.5 लाख के बजट में आप किस टाइप से डीजे सेटअप आप बना सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर पूरा डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ। जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन में आप देख सकते हैं, इन जितना भी आपको सामान दिख रहा है डीजे सेटअप का, इन सारा का एक एक पार्ट, मतलब एक एक सामान का दोनों मतलब प्राइस बताने वाला हूँ आपको, जो कि आपका एम्पलीफायर का प्राइस कितना पड़ेगा, और यहाँ पर मिक्सर का प्राइस, क्रॉस वायर स्टेबलाइजर, और यहाँ पर बेस और टॉप का प्राइस कितना पड़ेगा आपका। तो ये सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहेगा, क्योंकि मैं फुल डिटेल्स के साथ आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर 2.5 लाख में डीजे सेटअप आप कैसे बना सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा सेटअप बन जाएगा आपका और काफ़ी अच्छा साउंड भी आपको मिलेगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से। लेकिन उससे पहले, आप चैनल में नए हैं तो नीचे जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल में सेट करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डीजे से रिलेटेड ऐसे वीडियो अपलोड करता हूँ इस चैनल में। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, तो यहाँ पर 2.5 लाख में डीजे सेटअप, यहाँ पर आपका 2 एम्पलीफायर रहेगा, और जैसा कि आपने यहाँ पर इमेज में आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 बेस और 4 टॉप रहेगा आपका, और यहाँ पर मिक्सर, स्टेबलाइजर, केबल, ये सारे चीज़ आपका रहेगा। तो बात करते हैं यहाँ पर एम्पलीफायर से, तो यहाँ पर हमें एम्पलीफायर लेना पड़ेगा जो कि बेस के लिए। तो यहाँ पर बेस के लिए एम्पलीफायर हम लेंगे यहाँ पर जेफर लैब Z6, जो कि दोस्तों यहाँ पर रहेगा आपका 6000 वाट का एम्पलीफायर। मैं आगे की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर बेस कितने वाट का रहेगा, टॉप कितने वाट का रहेगा, इसमें स्पीकर कितने वाट के रहेंगे, ये सारे चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा। तो पहले हम शुरुआत से ही स्टार्ट करते हैं प्राइस के साथ। तो यहाँ पर जेफर लैब Z6 रहेगा 6000 वाट का एम्पलीफायर, इसका प्राइस आपका 60000 अप्रॉक्स हम मान के चलते हैं, इसमें ऐड कर लेते हैं वीडियो में, जो कि एम्पलीफायर का प्राइस जो है आपके मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। सभी सामान का जो है प्राइस जो है 1-2 हज़ार के आसपास जो है ऊपर नीचे हो सकता है, या फिर 200-300 जो भी है। जैसे छोटा सामान के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर बड़े सामान में 1-2-3 हज़ार के आसपास कम या फिर ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर जेफर लैब Z6 का 60000 अप्रोक्स मान के चलते हैं, जो कि बेस के लिए रहेगा एम्पलीफायर। और यहाँ पर एरोंस HD 5001, जो कि यहाँ पर 32000 या फिर 33000 के आसपास में आपको मिल जाएगा, जो कि 4000 वाट आपको 2 ओम्स में देगा, जैसे कि 2000-2000 का 2 ओम्स में पर चैनल आउटपुट आप इसमें ले लेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा आपको साउंड मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको डीजे मिक्सर 3 चैनल का यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर आप ले सकते हैं स्टूडियो मास्टर का, या फिर और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, डायनाटेक, और भी बहुत सारे कंपनी आपको देखने को मिल जाएंगे मार्केट में। और अच्छे ब्रांड का आप लेंगे, जैसे डीजे मिक्सर आपका आता है 3 चैनल 4 चैनल, जो भी है आपको जो पसंद लगे वो आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वीडियो में मैंने आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, तो यहाँ पर लगभग 10000 अप्रॉक्स ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि डीजे मिक्सर का 3 चैनल मिक्सर का 10000 अप्रॉक्स में काफ़ी अच्छा मिक्सर आ जाता है। यहाँ पर क्रॉसवायर अगर हम लेंगे, तो यहाँ पर सिंपल वाला क्रॉसवायर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर लगभग 4 से 5 हज़ार के आसपास मिल जाएगा हमारा, 4000 में भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं क्रॉसवायर का जो है 5000 यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, और आप भी ऐड करते जाइएगा और जोड़ते जाइएगा कि यहाँ पर प्राइस जो है कितना निकल के आता है। तो यहाँ पर क्रॉसवायर के बाद बात करते हैं, तो यहाँ पर हम एक स्टेबलाइजर यूज़ करेंगे, जो कि हमारे सेटअप के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, सेटअप जल्दी ख़राब नहीं होगा, काफ़ी अच्छे से वर्क करते रहेगा लंबे समय के लिए। तो यहाँ पर स्टेबलाइजर काफ़ी ज़रूरी है डीजे सेटअप के लिए, जो कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे दोस्तों 10 KVA का स्टेबलाइजर, जो कि इसका प्राइस लगभग मार्केट में 12 से 13 हज़ार के आसपास आपको मिल जाएगा अगर आप बनवाते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको 12-13 हज़ार में मिल जाएगा 10 KVA का स्टेबलाइजर। यही हम बात करते हैं इन सारे चीज़ को कनेक्शन करने के लिए, वायर्स, केबल, स्पीकर सॉकेट जितने भी आते हैं उन सभी को मिलाकर के लगभग 10000 हम मान के चलते हैं, लगभग उतना नहीं लगेगा लेकिन आप मान के चलते हैं 10000 के आसपास, क्योंकि हैवी क्वालिटी का लेंगे तो 10000 लग भी सकता है। तो यहाँ पर आल केबल के लिए हम 10000 यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल प्राइस आप ऐड मतलब कैलकुलेट करके जोड़ के रखिएगा। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 2 बेस, जो कि रहेगा दोस्तों 1500 वाट का, और 4 टॉप जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका 900 वाट का 4 टॉप रहेगा, जो कि साउंड काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा।
और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जेफर लैब Z6 ही क्यों लिया है इस वीडियो में, दूसरा एम्पलीफायर भी ले सकते थे, इतना महंगा एम्पलीफायर क्यों ऐड किया है। तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों लिया है Z6 को। तो यहाँ पर आपका जो है दो बेस आपका 1500 वाट का आप यहाँ पर लेंगे, जो कि 2.5 लाख के बजट में दो बेस ही आता है यहाँ पर, मतलब दो बेस ही आएगा, चार बेस नहीं आएगा। अगर आप 2.5 लाख के अंडर में डीजे सेटअप बनाते हैं तो, चार बेस करते हैं तो लगभग 3 लाख अप्रोक्स सट जाएगा आपका। यहाँ पर आप दो बेस अगर आप लेते हैं 1500 वाट, मार्केट फिटेड जैसे कि मार्केट का कैबिनेट बना होता है उस टाइप का यहाँ पर मार्केट में आपको मिल जाएगा कैबिनेट, काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का। और स्पीकर भी आप मीडियम रेंज में खरीदेंगे जो कि लगभग 12-15 हज़ार के आसपास स्पीकर आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पर लगभग 40-45 हज़ार के आसपास में आपको जो है दो बेस बन जाएगा काफ़ी अच्छा क्वालिटी का। ऑडियो टोन का भी स्पीकर ले सकते हैं आप, या फिर ATI प्रो का भी ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं P-Audio या फिर स्टूडियो मास्टर। स्टूडियो मास्टर में लगभग आपका थोड़ा बहुत हाई आपका चल जाएगा, जैसे कि 45 या फिर 50 हज़ार के आसपास आपका सड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम मीडियम क्वालिटी के स्पीकर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर लगभग 40 से 45 हज़ार के आसपास लग जाता है। तो यहाँ पर हम 40 हज़ार लगभग ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मार्केट में जो चार टॉप हम बनवाएंगे, जैसे कि या फिर खुद से भी बना सकते हैं कैबिनेट ला करके, चार कैबिनेट हम खरीदेंगे और उसमें स्पीकर डालेंगे जो कि 400 वाट का दो स्पीकर एक कैबिनेट में, और 100 वाट का एक ट्यूटर रहेगा जो कि ट्यूटर लोकल ब्रांड का रहेगा, काफ़ी अच्छा आपको साउंड उसमें भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है यहाँ पर। जो कि एक टॉप आपका कंप्लीट बन जाता है 900 वाट का, और ट्यूटर को चलाने के लिए आपको एक छोटा सा नेटवर्क किट लेना पड़ेगा जो कि लगभग 600 से 700 में आ जाता है, ओनली उसमें नेटवर्क आपका चलेगा। और यहाँ पर हम चार टॉप का कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 80 हज़ार के आसपास हमें पड़ जाता है चार टॉप 900 वाट का। यहाँ पर आप P-Audio का स्पीकर भी यूज़ कर सकते हैं टॉप में 400 वाट में, या फिर 400 वाट में आहूजा का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑडियो टोन का भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपको साउंड मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप चार टॉप 900 वाट का बन जाता है जो कि 80 हज़ार के आसपास में। टोटल अमाउंट को हम ऐड करते हैं, मतलब कि टोटल अमाउंट को अगर हम जोड़ते हैं तो लगभग 2,49,000 के आसपास अप्रॉक्स प्राइस निकल के आता है, मतलब कि 2.5 लाख के अंडर में आप DJ सेटअप बना सकते हैं जो कि 1500 वाट का दो बेस रहेगा, 900 वाट का चार टॉप रहेगा, विथ यहाँ पर एम्पलीफायर हेवी हेवी आपका हो जाता है। आपको चलाना कैसे है यहाँ पर आप दोस्तों, 900 वाट का चार टॉप जो है ये आपका चलेगा एरोंस HD 5001 में आपका चलेगा, दो टॉप एक चैनल में, दो टॉप दूसरे चैनल में चलेगा काफ़ी अच्छे से, साउंड भी काफ़ी अच्छा आएगा, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर Zephyr Lab Z6 जो है ये आपका 1500 वाट का दो बेस चलाएगा, एक एक चैनल में एक एक बेस आप चला सकते हैं, या फिर एक चैनल में दो बेस भी चला सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊँ, Zephyr Lab Z6 अगर आप नहीं लेना चाहते, अगर आप मान लेते हैं अगर आपको ओनली दो बेस ही चलाना है, तो यहाँ पर आप MT-1201 ले लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपको इन फ्यूचर चार बेस लेना है, जैसे कि 2-3 महीना के बाद, मान लेते हैं यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर 4-5 बुकिंग आपको मिल जाता है, आपके पास पैसा हो जाता है लगभग 50 हज़ार अप्रॉक्स, तो यहाँ पर अगर आपका मन करता है कि और दो बेस हम लेंगे तो यहाँ पर चार बेस वाला सिस्टम हम इसको बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसीलिए मैंने Zephyr Lab Z6 को यहाँ पर चूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 1500 वाट का दो बेस भी चलाते हैं तो एक एक चैनल में 1500 वाट का बेस काफ़ी अच्छा रहेगा, और अगर चार बेस भी चलाते हैं तो एक चैनल में दो बेस और दूसरे चैनल में दो बेस चलेगा, काफ़ी अच्छा साउंड आपको मिल जाएगा, क्योंकि 4 ओम्स में इसका 3000 वाट का आउटपुट मिल जाता है आपको, और 8 ओम्स में लगभग 1800 वाट का आउटपुट मिल जाता है। तो यहाँ पर एक एक बेस भी हम एक एक चैनल में चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्पीकर भी नहीं जलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मतलब कि जो साउंड है वो आपका रेड लेवल तक, मतलब रेड लाइट तक नहीं जाना चाहिए, 2-3 लाइट तक नीचे ही रहना चाहिए, जो कि Zephyr Lab Z6 या फिर हो HD 5001। कोई भी एम्पलीफायर में क्लिपिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पीकर्स जलने का चांस बहुत बढ़ जाते हैं, उसी के कारण स्पीकर भी जल जाते हैं कोइल गर्म होके। तो यहाँ पर इन फ्यूचर अगर आप 1500 वाट का दो बेस भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, एम्पलीफायर आपको बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप मान लेते हैं यहाँ पर आपको लेना है जनरेटर, तो यहाँ पर आप अगर कमेंट करके पूछेंगे कि
भाई इसका इसमें जो है जनरेटर कितने वाट कितने केवीए का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि किलोवाट में आता है। तो यहाँ पर दोस्तों 10 किलोवाट में भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप 12 किलोवाट का अगर जनरेटर लेते हैं तो काफ़ी सक्सेस रहेगा, लंबे समय तक के लिए काफ़ी अच्छा आपको रिस्पॉन्स देगा। और 12 किलोवाट का आप खरीद सकते हैं, 10 किलोवाट में भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही था कि यहाँ पर 2.5 लाख में डीजे सेटअप हम कैसे बना सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही था कि एक आइडिया था कि यहाँ पर 2.5 लाख अंडर में डीजे सेटअप बना सकते हैं किस टाइप से। तो आई होप आपको सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश किया, जो कि Z6 में 4 बेस भी चला सकते हैं इन फ्यूचर अगर आप 2 बेस बढ़ाते हैं तो। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल में अभी तक नए हैं तो नीचे जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और नीचे जाके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।